सो iOS 17 को रिलीज हुए कुछ टाइम हो चुका है एंड मैं ये पर्टिकुलर वीडियो कुछ दिन के बाद इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद सही तरीके से बता सकूँ iOS 17 का रिव्यू। सो मेरे पास iPhone XR से लेके iPhone 14 Pro Max तक सभी डिवाइसेज हैं, बट मैंने जानबूझकर iPhone XR में इसलिए इंस्टॉल करा क्योंकि ये iPhone स्पेसिफिकेशन वाइज सबसे लो है जिसमें iOS 17 का सपोर्ट मिलता है। ऑल्दो iPhone XR एंड iPhone XS में आपको सेम चिप मिलती है, बट iPhone XS सीरीज में 1 GB एक्स्ट्रा रैम मिलती है। सो गाइस मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एज मैं आपको बताने वाला हूँ iOS 17 iPhone XR में कैसा वर्क कर रहा है एंड क्या आपको अभी अपडेट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए एंड इसी के साथ बताऊंगा इंटरेस्टिंग फीचर्स। सो हे गाइस आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो करेंटली ये iPhone XR रन कर रहा है iOS 17 का डेवलपर बेटा 2 जो कि लेटेस्ट है एंड इसी के साथ साइड बाय साइड iOS 16 के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये है iPhone 11 एंड इसमें रन कर रहा है लेटेस्ट iOS 16.5.1। सो एप्पल ने इस बारी सफारी में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड करे हैं एंड अब आपको फाइनली प्राइवेट टैब को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है थ्रू फेस आईडी। एज यू कैन सी जैसे मैं नॉर्मल टैब से प्राइवेट टैब पे स्विच करता हूं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अनलॉक पे एंड इसके बाद फेस आईडी मांगेगा एंड फेस आईडी को स्कैन करने के बाद ये ओपन होगा। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन सफारी एंड यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है रिक्वायर फेस आईडी टू अनलॉक प्राइवेट ब्राउजिंग। इसी के साथ सफारी में प्रोफाइल्स का ऑप्शन ऐड करा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 प्रोफाइल्स बना रखी हैं, पर्सनल एंड जनरल। सो सफारी को ऑन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे टैब बटन पे क्लिक करते हो, नीचे एक छोटा सा आइकन शो होता है, इस पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे है जनरल एंड पर्सनल एंड ऑब्वियसली आप इन्हें सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब एक काफी कमाल का फीचर मुझे लगा है विच इज इन हैप्टिक। सो iOS 17 के डेवलपर बेटा 2 में एप्पल ने ये फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, देन टच। सो यहाँ पे आपको जो हैप्टिक टच का ऑप्शन मिलता था, इसमें एक न्यू टॉगल इंट्रोड्यूस हो गया एंड ये कहीं ना कहीं मिमिक करेगा 3D टच को। अब एक्चुअल में आपके आईफोन में 3D टच डिस्प्ले नहीं है, बट एनिमेशन के पॉप आउट होने का जो टाइम है वो काफी कम है जिस तरीके से पुराने आईफोन्स में 3D टच में हुआ करता था। सो इसे अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ iOS 16 में हैप्टिक टच के साथ, सो क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। इसी के साथ कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी एप्पल ने करे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल सेंटर में जाके वॉल्यूम को फुल करता हूँ, सो यहाँ पे काइंड ऑफ एक डिफरेंट सा इफेक्ट मिलता है एंड देखने में ज्यादा कूल एंड इंटरेक्टिव लगता है। अब एक फीचर के मामले में लोगों को काफी कंफ्यूजन है विच इज स्टैंड बाय मोड। एज एप्पल ने इस बार iOS 17 में स्टैंड बाय मोड को इंट्रोड्यूस करा है। सो क्या ये फीचर बिना डॉक के काम करता है एंड पुराने iPhones में काम करता है iPhone XR, iPhone XS वगैरह में? गाइस डेफिनेटली यस, ये फीचर सभी iPhones में काम करता है जस्ट लाइक iPhone XR, iPhone 11 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे तभी ये फीचर शो हो रहा है एंड ये नॉर्मल वायर्ड चार्जिंग पे भी काम करता है विदाउट एनी डॉक। एंड यहाँ पे आपको शो होंगे विजिट्स, फोटोज एंड क्लॉक्स, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एंड इसी के साथ आपको शो होंगे नोटिफिकेशंस। दैट्स प्रीटी कूल फीचर। इसी के साथ iOS 17 का काफी हाईलाइटिंग फीचर है कॉन्टैक्ट पोस्टर्स। सो इसमें आप बेसिकली किसी भी कॉन्टैक्ट का फोटो लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड या फिर पोस्टर। सो ये पर्टिकुलर फीचर तो डेफिनेटली लोग काफी पसंद आने वाला है, स्पेशली जिन्हें कस्टमाइजेशन पसंद है। वैसे दिखने में भी बहुत ही ज्यादा कूल लगता है स्पेशली कम्पेयर टू iOS 16। अब आप फोटोज में जिस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके किसी भी इमेज को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते थे, ये फीचर अब काम करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम इमेज है। सो अगर मैं iPhone 11 में लॉन्ग प्रेस करता हूँ जिसमें रन कर रहा है लेटेस्ट iOS 16, सो यहाँ पे काइंड ऑफ पूरे पोर्शन को ही पॉप आउट कर रहा है, इसे ही कॉपी कर सकते हो। बट वहीं अगर मैं सेम चीज करता हूँ iOS 17 वाले iPhone XR में, इसने केवल लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करा है एंड इसे प्रेस करने के बाद आपको चूज करना होगा सिलेक्ट ऑल देन कॉपी। इसने दोनों ही फोन्स को एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स पेस्ट करा है, ये भी काफी अच्छा चेंज है। इसी के साथ और भी काफी सारे चेंजेस एप्पल ने करे हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट इन ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का फीचर अब पहले से ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है, ज्यादा एक्यूरेट है। इसी के साथ आपको मिलते हैं इंटरैक्टिव विजिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुन रहा हूँ पॉडकास्ट, सो iOS 16 में मैं इससे इंटरैक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट iOS 17 में कर सकता हूँ एंड इसी तरीके से आप और भी काफी सारे विजिट्स में इंटरेक्ट कर सकते हो होम स्क्रीन से ही। इसके अलावा एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन को दूसरा आईफोन के पास होल्ड करने पे आप लोग इजिली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो एंड इसी के साथ आप चूज कर सकते हो स्पेसिफिक फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट पोस्टर। इसे एप्पल ने नाम दिया है नेम ड्रॉप। इसी के साथ एयर ड्रॉप में कुछ और फीचर्स भी ऐड करे गए हैं लाइक प्रॉक्सिमिटी शेयरिंग, इंटरनेट ट्रांसफर्स, शेयर प्ले इनिशिएशन,
सो बेसिकली आप जब भी एक आईफोन को दूसरे आईफोन के पास होल्ड करोगे, आईफोन अपने आप ही अलाउ कर देगा फाइल्स को एयर ड्रॉप करने के लिए, लाइक फोटोज या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स। एंड इसी तरीके से आप शेयर प्ले वगैरह भी कर सकते हो। अब स्पेशली इंटरनेट ट्रांसफर्स काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयर ड्रॉप को इनिशिएट करते हो एंड इनकेस किसी वजह से दूसरा पर्सन एयर ड्रॉप की रेंज से चला जाता है दूर, उस केस में भी एयर ड्रॉप कम्प्लीट होगा थ्रू आई क्लाउड। बाकी इसके अलावा भी आपको iOS 17 में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड मेनली मैं बात करने वाला हूँ iPhone XR में iOS 17 का एक्सपीरियंस की। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, बेंचमार्क स्कोर्स लगभग पहले जितने ही हैं। सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी टिप नहीं मिलेगा। बात करें जनरल परफॉर्मेंस की, सो यस, एज ए डेवलपर बेटा अपडेट है, आपको यूजर एक्सपीरियंस में इतनी रिफाइनमेंट नहीं मिलेंगी। फोन को जनरली यूज करने में कुछ बग्स एंड जिटर्स फील होंगे। इसी के साथ मेजर कंसर्न है बैटरी लाइफ, स्पेशली बीटा अपडेट्स में आपको बैटरी लाइफ अच्छी नहीं मिलती है। सो वो केस यहाँ पे भी है। स्टेबल iOS 16 के कंपैरिजन में बैटरी लाइफ डिप हुई है। सो डेफिनेटली नॉर्मल यूजर्स को मैं अपडेट करना रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड जब सितंबर में एप्पल ऑफिशियली iOS 17 का स्टेबल वर्जन रिलीज करेगा, आप लोग तभी इंस्टॉल करें, वही बेटर है। सो गाइस लेट्स सी iOS 17 के नेक्स्ट बीटा अपडेट्स में कितनी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि बाद में सभी बग फिक्स हो जाएंगे एंड बेटर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सो क्या आप लोगों ने अपने iPhones में iOS 17 का डेवलपर बीटा इंस्टॉल कर लिया है? एंड इफ यस, कैसा एक्सपीरियंस है? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आपको iOS 17 का बेस्ट फीचर कौन सा लगा? वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।